Hello students, how are you? I hope you are doing well and enjoying your studies. My name is Enjo, your backup teacher, and you are watching my channel Organjo Chem. Let's start our interaction. Hello students, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और किस तरह से अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 और E2 मैकेनिज्म प्रोसीड होते हैं। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अल्कोहल है और उसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करवाई जाती है, तो इस अल्कोहल के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल जब रिलीज हो जाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास एक एल्कीन बनती है, और ऐसी रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। इस रिएक्शन में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है इसे हम अल्फा कार्बन मान लेते हैं, और इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन मान लेते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से एक H रिमूव होता है, यानी इस रिएक्शन में अल्फा और बीटा कार्बन की हेल्प से वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, जिसके कारण एक एल्कीन बनती है, और इस एल्कीन में अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन या अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं E1 मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की E1 रिएक्शन। अगर हम E1 रिएक्शन की बात करें तो अल्कोहल की E1 रिएक्शन के जो RDS स्टेप होता है उसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और कार्बोकैटायन बनने के कारण ही E1 रिएक्शन उन्हीं अल्कोहल के थ्रू प्रोसीड होती है जिनसे स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो सके। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेनॉल है, और इस साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करवाते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, हमारे पास साइक्लोहेक्सीन इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल सबसे पहले इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, और इसमें अल्कोहल के जो OH ग्रुप होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को दे देता है, जिससे इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है और हमारे पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। रिएक्शन के अगले स्टेप में अभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि इस स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएं, और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होने से हमारे पास एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अगर रिएक्शन के इस स्टेप की बात करें तो ये स्टेप हमारे पास सबसे स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप होने के कारण इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब रिएक्शन के अगले स्टेप में जो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे, ये वाटर के मॉलिक्यूल हीट की प्रेजेंस के कारण अब बेस का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में जो भी हमारे पास एडजेसेंट कार्बन है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को एब्सेक्ट कर लेते हैं, यानी ये वाटर के मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को एब्सेक्ट करेंगे और इससे इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और इस कारण से हमारे पास एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी जो इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। किसी भी अल्कोहल की E1 रिएक्शन में हमको सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर का स्पेशली ध्यान रखना है। नंबर वन, इसके RDS स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 1,2 शिफ्ट कर सकता है, और जो रिएक्शन का मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उसके थ्रू बनने वाली एल्कीन ही मेजर एल्कीन होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल हीट के कारण बेस की तरह काम करते हैं और इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को एब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे इस केस में अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल बेस बनकर इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम को ले लें या फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम को एब्सट्रैक्ट करें, दोनों ही केस में हमारे पास साइक्लोहेक्सीन ही फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो हमको ये चेक करना है कि कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर जो H है वो क्या सेम है क्या।
अगर हमारे पास सेम है तो इन दोनों में से किसी भी एच को एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर ये एच दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइप की एल्कीन पॉसिबल हो सकती है। अब इन दोनों ही फैक्टर्स को हम अलग अलग एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इस रिएक्शन में जब एच पॉजिटिव की हेल्प से इस OH को रिमूव किया जाता है तो हमारे पास वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाता है और इससे एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। और अगर इस कार्बोकैटायन की डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो इस क्वेश्चन में इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इस कार्बोकैटायन में अब 1.2 शिफ्ट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। अब रिएक्शन में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं ये हाईर टेम्परेचर के कारण बेस का काम करते हैं और इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट अब हमारे पास 3 कार्बन हैं। अगर इन दोनों कार्बन को अगर हम कंसिडर करें, इन दोनों कार्बन पे जो एच होंगे वो आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये दोनों कार्बन हमारे पास आइडेंटिकल है, तो इन दोनों ही कार्बन के एच को हम बीटा एच मान लेते हैं, इसे हम बीटा वन मान लेते हैं और ये वाला भी आइडेंटिकल होने के कारण इसे हम बीटा वन कह देते हैं। अगर हम इस कार्बन के दोनों एच की बात करें और इनका इनके साथ कंपैरिजन करें तो ये हम इजीली बता सकते हैं ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो इन से डिफरेंट होंगे, इसलिए इसके हाइड्रोजन को हम बीटा टू मान लेते हैं। तो इस एग्जांपल में बेसिकली हमारे पास 2 टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, एक बीटा वन है और दूसरी हमारे पास बीटा टू है। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जो बेस बने हैं अब ये बीटा वन से भी एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बीटा टू से भी एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इस एग्जांपल में हमारे पास 2 एल्कीन पॉसिबल हो सकती हैं। इसमें से ये वाली एल्कीन तब बनी होगी जब बेस के मॉलिक्यूल यहां से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लें और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। और इसी तरीके से ये वाली एल्कीन जब बनी होगी जब बेस के मॉलिक्यूल यहां से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लें और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। अब क्वेश्चन ये बना इन दोनों एल्कीन में से इस क्वेश्चन की मेजर एल्कीन कौन सी होगी। तो इवन रिएक्शन जो होती है जिसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है इसमें सेडजेफ एल्कीन जो होती है वो मेजर एल्कीन होती है। अब बात करते हैं इन दोनों में से सेडजेफ एल्कीन कौन सी है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड और मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो होती है उसे हम सेडजेफ एल्कीन कहते हैं। अगर इस एल्कीन में हम अल्फा एच की बात करें तो हमारे पास इस एल्कीन में टोटल 5 अल्फा एच प्रेजेंट है और इस 5 अल्फा एच के कारण इसमें इसका डोमिनेंट इफेक्ट जो होगा प्लस एच ऑपरेट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर इस एल्कीन की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 6 अल्फा एच प्रेजेंट है और इन 6 अल्फा एच के कारण इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से ये जो हमारे पास एल्कीन है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जबकि ये वाली एल्कीन जो है ये हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए इस एल्कीन को हम सेडजेफ एल्कीन कह देते हैं और ये एल्कीन इस रिएक्शन में मेजर बनती है। इसी तरीके से इस वाली एल्कीन को हम होफमैन एल्कीन कहते हैं और ये इस रिएक्शन में माइनर बनती है। अब बात करते हैं इस एग्जांपल में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की। इस रिएक्शन के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में हमारे पास इस एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दी गई है और इस एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी को रखा गया है। यहाँ पर इस डायग्राम को हमने अल्कोहल के प्रोटोनेशन से शुरू करा है यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल से शुरू किया गया है और रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में जब ये अल्कोहल से ये वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं तो इससे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। इस ग्राफ में हमारे पास एक हाइड्रेट पीक रहती है जो कि इस रिएक्शन का RDS कहलाती है। ये पीक RDS क्यों हुई, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट जो होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चूंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसकी रेट जो होगी सबसे स्लो होगी और जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको हम RDS कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और यहाँ तक तो रिएक्शन जो है बिल्कुल सिमिलर रहती है और इस कार्बोकैटायन से अब ये 2 अलग अलग कलर के ग्राफ में हमने शो किया गया है, इससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम रेड वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें ये वाली एल्कीन बनती है, इसमें यहाँ से एच एक रिलीज होने के कारण इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और ऐसी एल्कीन को हम होफमैन एल्कीन कहते हैं। इसी तरीके से जब ये कार्बोकैटायन और यहाँ इस एच के बीच में
डबल बॉन्ड बन जाए, यहां से एक एच रिलीज हो जाए और डबल बॉन्ड बने, तो ये वाली एल्कीन बनती है और इस एल्कीन को हम सेट्जेव एल्कीन कहते हैं। इन दोनों एल्कीन में से सेट्जेव एल्कीन जो होती है वो अल्फा एच के मामले में या फिर सब्सटीट्यूशन के मामले में ज्यादा स्टेबल होती हैं, यानी मोस्ट स्टेबल और मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होती हैं वो सेट्जेव एल्कीन कहलाती हैं, जो कि इस रिएक्शन में फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनाती हैं। अब बात करते हैं इस रिएक्शन में बनने वाले कार्बोकैटायन की। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन जो बनता है वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 1.2 शिफ्ट कर सकता है और रिएक्शन का जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उसके थ्रू फाइनल स्टेबल एल्कीन की फॉर्मेशन होती है जो सेट्जेव एल्कीन कहलाती है। जैसे इस एग्जांपल में एच पॉजिटिव की हेल्प से जब इस OH को रिमूव करेंगे तब हमारे पास वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये वाला कार्बोकैटायन हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन होता है और रिएक्शन में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस रिएक्शन में 1.2 शिफ्ट पॉसिबल होती है। रिएक्शन के अगले स्टेप में इसमें 1.2 मिथाइल शिफ्ट होती है और इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में इस एडजेसेंट कार्बन से कोई एक मिथाइल यहां से शिफ्ट होकर इस कार्बोकैटायन पर आ जाता है, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। 1.2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें हर बार 1.2 शिफ्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी है, क्या ये वाला कार्बोकैटायन जो था 1.2 शिफ्ट करने के बाद जो नया कार्बोकैटायन बनाया है अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसमें 1.2 शिफ्ट फिजिबल होगी, नहीं तो उसमें 1.2 शिफ्ट फिजिबल नहीं होगी। अगर इस कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 3 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट रहता है, जो कि इसका डोमिनेंट इफेक्ट होता है। इसी तरीके से इस वाले कार्बोकैटायन में हमारे पास टोटल 7 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट रहता है, यानी ये वाला कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और इस क्वेश्चन में अब इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। अगर इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट बीटा हाइड्रोजन को कंसिडर करें तो इन दोनों कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इनका कार्बन आइडेंटिकल है, तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम बीटा 1 हाइड्रोजन की मार्किंग कर लेते हैं। इसी तरीके से अब इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका इनके साथ कंपैरिजन करते हैं और इससे हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि ये कार्बन और उसकी ये हाइड्रोजन जो होगी इन दोनों से डिफरेंट होगी, तो इसलिए इसको हम बीटा 2 हाइड्रोजन मान लेते हैं। यानी इस एग्जाम्पल में अगेन हमारे पास दो टाइप की एल्कीन पॉसिबल है। इनमें से ये वाली एल्कीन तब पॉसिबल होगी जब वाटर के मॉलिक्यूल हीट की प्रेजेंस में यहां से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली एल्कीन तब पॉसिबल होगी जब बेस के मॉलिक्यूल इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बना, इन दोनों एल्कीन में से हमारे पास कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी। जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, अल्कोहल की इवन रिएक्शन में सेट्जेव एल्कीन मेजर होती है और सेट्जेव एल्कीन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड और मोस्ट स्टेबल एल्कीन होती है। अगर इन दोनों एल्कीन का आपस में कंपैरिजन करें, ये वाली एल्कीन हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड होती है जबकि ये वाली एल्कीन हमारे पास टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होती है, और दूसरा इस वाली एल्कीन में हमारे पास टोटल 12 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट होता है जबकि इस वाली एल्कीन में हमारे पास टोटल 4 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट होता है। यानी इन दोनों एल्कीन में से ये वाली एल्कीन जो होती है वो सेट्जेव एल्कीन कहलाती है और सेट्जेव एल्कीन होने के कारण ये वाली एल्कीन इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनती है जबकि ये वाली एल्कीन इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट बनती है क्योंकि ये होफमैन एल्कीन होती है। अब बात करते हैं अल्कोहल के इवन रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान यूज होने वाले रिएजेंट्स की। इस रिएक्शन में हम नॉन न्यूक्लोफिलिक एसिड्स यूज करते हैं। ये वो एसिड्स होते हैं जिनका न्यूक्लोफाइल यूजलेस होता है, यानी हम ऐसा कह लें इन एसिड से हमको सिर्फ एच पॉजिटिव मिलता है, जो इसका न्यूक्लोफाइल होता है वो हमारे रिएक्शन में किसी भी काम का नहीं रहता, जैसे H2SO4, HClO4, H3PO4 और KHSO4। ये जितने भी एसिड्स हैं
ये हमारे पास इसलिए नॉन न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि इनका नेगेटिव पार्ट बल्की होने के कारण न्यूक्लियोफाइल की तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी तरह HF जो है वो भी हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड है, बट इसका रीजन ये है कि जो F नेगेटिव होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, इसलिए ये सारे के सारे केसेस जो होते हैं ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड की कैटेगरी के आते हैं। इनसे हमको सिर्फ H पॉजिटिव लेकर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन शुरू करना है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की इवन रिएक्शन में टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो H2SO4 होगा ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड है, इसकी हेल्प से हमको एच पॉजिटिव मिलेगा, जिसको यूज करते हुए इस OH को जब हम रिमूव करेंगे तो वाटर हमारे पास साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और इससे वेरी फर्स्ट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। बनने वाले इस कार्बोकैटायन में अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि ये इस कार्बन से इस मिथाइल को यहाँ पर शिफ्ट कर दे, यानी ये 1.2 शिफ्ट कर ले। और दूसरा ऑप्शन ये होता है, चूंकि ये कार्बोकैटायन इस 4 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पर बना हुआ है और 4 मेंबर रिंग इस वक्त इसको ग्रैब कर सकती है, यानी इसको एक्सपांड कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास 4 मेंबर रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा हम 4 मेंबर रिंग को एक्सटेंड करते हैं, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि ये जो वाला बॉन्ड होगा ये यहां से शिफ्ट करेगा और इस 1.2 रिंग एक्सपेंशन के थ्रू हमारे पास एक नए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। अब ये कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। चूंकि इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में 3 कार्बन है और तीनों ही कार्बन हमारे पास डिफरेंट है, तो इनके हाइड्रोजन को हम डिफरेंट मार्किंग कर लेते हैं। इसे हम β1 मान लेते हैं, इसे हम β2 और इसे हम β3 मान लेते हैं। यानी इस कार्बोकैटायन के थ्रू हमारे पास 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम पहली एल्कीन की बात करें तो ये वाली एल्कीन कब बनेगी, जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, या हम ऐसा कह लें इसमें β1 हाइड्रोजन रिमूव होने से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन से ये वाली एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं इस एल्कीन की। ये एल्कीन तब बन सकती है जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यानी कि β2 हाइड्रोजन रिमूव हो और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। इसी तरीके से तीसरी वाली एल्कीन तब बन सकती है जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि इस एग्जाम्पल में अगर हमको मेजर प्रोडक्ट बताना होता तो हम उसको किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। देखो, मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसमें से जितनी एल्कीन बनेगी उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। अगर इन तीनों एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इस फर्स्ट एल्कीन में टोटल 3 अल्फा एच के कारण प्लस एच इफेक्ट होता है, इस वाली एल्कीन में टोटल 6 अल्फा एच के कारण प्लस एच इफेक्ट होता है, जबकि इस वाली एल्कीन में टोटल हमारे पास 10 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट होता है। इसलिए ये वाली एल्कीन जो होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। इस एल्कीन को हम सेटजेब एल्कीन कहेंगे और इसी कारण से ये वाली एल्कीन जो होगी इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ लिया जाता तब हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हमारे पास जितने भी कार्बोकैटायन आते हैं इंक्लूडिंग दिस वन, इससे भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इससे अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो यहाँ पर हमारे पास तो कोई H अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास H अवेलेबल है, तो अगर यहाँ से H निकल जाए और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए तो हमारे पास इस टाइप की एल्कीन बनती है। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में टोटल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स यानी ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे जाते हैं, तो ये जो चारों एल्कीन होती, ये चारों की चारों एल्कीन जो होती ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कहलाती है। यानी इस क्वेश्चन में टोटल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर जो होंगे वो 4 बनेंगे। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछा जाता तो इन चारों एल्कीन में से हम कायरल कार्बन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन सबको कंसिडर करते हुए यानी स्टीरियो केमिस्ट्री को कंसिडर करते हुए आंसर देते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है और ना ही GI है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जिसके कारण इसकी दो फॉर्म पॉसिबल हो सकती हैं,
वो स्मॉल डी और स्मॉल एल यानी डेक्स्टर रोटेटरी और लीवर रोटेटरी पॉसिबल है। इसी तरीके से इस वाली एल्कीन में ज्योमेट्रिक इलाइसोमर पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर हमारे पास एक कैरल कार्बन प्रेजेंट है, अगेन जिसकी दो फॉर्म हो सकती हैं। और तीसरी वाली एल्कीन में यानी इस एल्कीन में ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है और ना ही कायरल कार्बन पॉसिबल है। अगर हम इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 6 जो है वो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। अब बात करते हैं इस रिएक्शन के फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की। अगर इस रिएक्शन के फ्रैक्शन डिस्टिलेशन किए जाते हैं तब हमारे पास टोटल 4 फ्रैक्शन आते हैं। अभी 4 फ्रैक्शन कैसे आएंगे उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास इनेंशियोमर होंगे, अगेन ये दोनों कंपाउंड हमारे पास इनेंशियोमर होंगे, तो इसका डीएल और इसका डीएल इनेंशियोमर होने के कारण एक साथ आएंगे, यानी एक फ्रैक्शन में हमको ये दोनों कंपाउंड मिल जाएंगे और एक फ्रैक्शन में हमको ये दोनों कंपाउंड मिल जाएंगे। इसी तरीके से तीसरा फ्रैक्शन इसका हो जाएगा और चौथा फ्रैक्शन इस वाली एल्कीन का हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हमको 4 फ्रैक्शन मिलेंगे। तो इस एग्जांपल में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये सीखी कि अगर हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से बनने वाला मोस्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होगा उसको हम मेजर मानेंगे, और अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जाए तो हर कार्बोकैटायन से बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे, सभी में हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कंसिडर करेंगे। अल्कोहल की इवन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम इस एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल में H3PO4 के थ्रू मिलने वाले एच पॉजिटिव की हेल्प से इस OH को रिमूव करेंगे और वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, तो अब ये कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। अब हमारे पास फर्स्ट लुक में ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन जो है हमको आइडेंटिकल लगते हैं, बट इसको हम दोनों को डिफरेंट मानते हुए एक को हम एच ए मान लेते हैं और दूसरे को हम एच बी मान लेते हैं, और इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में बेस के मॉलिक्यूल इस एच ए को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसके कारण इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से सेकेंड पॉसिबिलिटी में बेस के मॉलिक्यूल इस एच बी को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब मेरा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। इसी तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों कंपाउंड की आपस में मिरर इमेज को कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर फर्स्ट कंपाउंड के यहाँ पर हम मिरर लिख दें तो हमारे पास जो मिरर इमेज होगी वो हमारे पास कंपाउंड सेकंड जैसी होगी, यानी ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अगर किसी को भी उठाकर दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये दोनों मिरर इमेज जो होती हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं। तो बेसिकली ये दोनों कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, इनको हम RS से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इस मिथाइल को कंसिडर करें तो CIP रूल के अकॉर्डिंग इसके ये दोनों आर्म्स जो होती हैं, ये दोनों पार्ट जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं होता। बट कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर हमारे पास एक एक कायरल कार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर इस कायरल कार्बन का हम CIP रूल के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फिगरेशन देखें तो ये हमारे पास एस कॉन्फिगरेशन आता है और इसका कॉन्फिगरेशन हमारे पास आर आता है, यानी कि हमारे पास एक कायरल कार्बन जिसका कॉन्फिगरेशन एस है और दूसरा कायरल कार्बन जिसका कॉन्फिगरेशन आर है, ये दोनों ही कंपाउंड हमारे पास बनते हैं। अगर हम इसके बनने की पॉसिबिलिटी की बात करें तो इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में 50% पॉसिबिलिटी ये है कि बेस एच ए को एब्स्ट्रैक्ट कर लें और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लें, यानी ये वाला कंपाउंड जो होगा जिसका कॉन्फिगरेशन एस है ये हमारे पास 50% बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें बेस के मॉलिक्यूल इस एच बी को एब्स्ट्रैक्ट कर लें और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास 50% है, और 50% होने के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि इस कंपाउंड में हमारे पास कायरल कार्बन आर आ जाएगा। तो 50% आर और 50% हमारे पास एस बना, यानी कि ये दोनों हमारे पास एनेंशियोमेरिक मिक्सचर बने। और जब एक ही कंपाउंड का 50% एस और उसी कंपाउंड का 50% आर प्रेजेंट हो तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, और रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो एक्सटर्नल कंपनसेशन के थ्रू ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है,
यानी इन दोनों एनेंशियोमर में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और इनका रोटेशन भी सेम होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, अगर एक का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कंपनसेट कर देंगे और ऐसे कंपनसेशन को हम एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। इसी कारण से रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगर इस रिएक्शन का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की बात करें, चूंकि हमारे पास दोनों एनेंशियोमर बन रहे हैं तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण इस रिएक्शन के फ्रिक्शन डिस्टिलेशन में केवल एक सिंगल फ्रिक्शन आएगा। इस क्वेश्चन में KHSO4 के थ्रू मिलने वाले H पॉजिटिव के थ्रू जब इस OH को रिमूव करेंगे तब वाटर हमारे पास साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और इससे हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब ये बनने वाला सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन अगले स्टेप में इस डबल बॉन्ड के साथ रीअरेंज होकर एक नए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा। इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट कार्बन है इस पर हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ अब हमको इस कार्बन से कोई ना कोई ग्रुप जो होगा इसको कार्बोकैटायन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। चूंकि हमारे पास दो ग्रुप मिथाइल और इथाइल है, इसका मतलब हमारे पास दो तरह की शिफ्ट हो सकती है। एक में हम यहां से मिथाइल को यहां से इस कार्बोकैटायन को दे दें तो ये 1.2 मिथाइल शिफ्ट कहलाएगी। अगर हम यहां से इथाइल ग्रुप को इस कार्बोकैटायन को दें तो ये 1.2 इथाइल शिफ्ट कहलाएगी। इन दोनों शिफ्ट के बाद हमारे पास दो तरह के कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। इस वाले कार्बोकैटायन के कार्बन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि इस वाले कार्बोकैटायन के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये बना इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। इन दोनों ही कार्बोकैटायन में कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों ही कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यानी इसमें डबल बॉन्ड के थ्रू मिलने वाला मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में इक्वल होगा। इसका मतलब मेसोमेरिक अगर इक्वल है तब हमको उसका सेकंड डोमिनेंट फैक्टर हाइपर कंजुगेशन देखना पड़ेगा। अगर इस कार्बोकैटायन में अगर हम अल्फा एच की बात करें तो इसमें टोटल हमारे पास 3 अल्फा एच होते हैं जिनके थ्रू इस क्वेश्चन में या इस कार्बोकैटायन में प्लस एच डेवलप होगा। इसी तरीके से इस कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें टोटल 4 अल्फा एच होते हैं जिसके थ्रू इसमें प्लस एच इफेक्ट डेवलप होगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों कार्बोकैटायन में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारे पास ये हुआ जिसमें इथाइल शिफ्ट हुई, यानी इन दोनों ही केस में जब हमारे पास 1.2 मिथाइल शिफ्ट और 1.2 इथाइल शिफ्ट का कंपटीशन हो, ऐसी कंडीशन में 1.2 इथाइल शिफ्ट के थ्रू बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अब रिएक्शन के फाइनल स्टेप में दोनों ही कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इससे हमारे पास दो तरह के बेंजीन डेरिवेटिव बनते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। अगर ये सिमिलर है तो हमने 1.2 मिथाइल या फिर 1.2 इथाइल का कंपैरिजन ही किस लिए किया, इसमें हम कोई भी शिफ्ट करते तो भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनता। तो ऐसा हमने इसलिए किया अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में इस वाले कार्बन को वो कार्बन 14 मान लेता, यानी इस कार्बन को वो आइसोटोप वाला कार्बन 14 इंट्रोड्यूस कर देता तो रिएक्शन में अब हमारे पास इन दोनों शिफ्ट में से कौन सी शिफ्ट हो रही है इसका बहुत इंपैक्ट आता। क्योंकि अगर इसमें 1.2 मिथाइल शिफ्ट होती तब इस कार्बन 14 ग्रुप पे एथाइल प्रेजेंट होता, अगर इसमें 1.2 इथाइल शिफ्ट होती तब इस कार्बन 14 पर मिथाइल प्रेजेंट होता। इसलिए हमने इसका कंपैरिजन सीखा और हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास आइसोटोप लेबलिंग हो और साथ में 1.2 मिथाइल या 1.2 इथाइल का कंपैरिजन में इम्पैक्ट डेवलप हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा 1.2 इथाइल शिफ्ट करेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने और ये इस रिएक्शन का फाइनल मेजर बन जाएगा। नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड्स के अलावा ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं और इन रिएजेंट्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहले सेट में हमारे पास दो रिएजेंट्स हैं जिनमें से किसी एक को यूज किया जा सकता है, जैसे Al2O3 जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना कहते हैं। इसके अलावा हम P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में मैकेनिज्म A2 जाता है और किसी भी तरह के कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती और अगर फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में
हमारे पास चॉइस ऑफ एल्कीन अवेलेबल हो तो ऐसी कंडीशन में सैटजब एल्कीन मेजर होती है। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी में हमारे पास तीन टाइप्स के रिएजेंट हैं। पहले में हम POCl3 और pyridine को यूज कर सकते हैं। यहाँ POCl3 जो होता है वो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड कहलाता है। इसी तरीके से हम टंगस्टन ऑक्साइड को भी ले सकते हैं या फिर हम थोरियम डाइऑक्साइड को भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट लेने पर अगेन मैकेनिज्म हमारे पास ए2 होगा, किसी भी तरह के कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में चॉइस ऑफ एल्कीन अवेलेबल हो तो ऐसी कंडीशन में हॉफमैन एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी। इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट POCl3 और pyridine है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करते हैं। जब एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine लिया जाता है, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक 1 डिग्री एल्कोहल को अज्यूम करते हैं, और इस 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले POCl3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। यह एक SN2TH रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में हमारे पास Cl नेगेटिव के रिलीज होने के कारण एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है, और इस इंटरमीडिएट में O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। रिएक्शन के अगले स्टेप में यहां से निकला हुआ ये Cl नेगेटिव बेस का काम करता है, और अभी ये क्या करेगा, इस H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण इस स्टेप में HCl की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड रिएक्शन के अगले स्टेप में पिरिडिन के साथ रिएक्ट करता है। इस स्टेप के मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड में इस O के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को हम अल्फा मान लेते हैं, और उसके जो एडजेसेंट कार्बन है इस कार्बन को हम बीटा मान लेते हैं। चूंकि इस रिएक्शन में पिरिडिन एक बेस की तरह काम करता है, और ये पिरिडिन क्या करता है, बीटा कार्बन से एक एच को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसको एब्सेट कर लेता है, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अल्फा और बीटा के बीच में माइग्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से एक एलजी रिमूव हो जाता है, और इस पूरी रिएक्शन में जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है, और उसके अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर इस रिएक्शन के बनने वाले साइड प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें पिरिडिन, HCl और क्लोरोफॉस्फाइड साइड प्रोडक्ट बनते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म से हम तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे नंबर वन, ये रिएक्शन ए2 रिएक्शन है। नंबर सेकंड, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, यानी हम किसी भी तरीके से इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। नंबर थर्ड, अगर हमारे पास चॉइस ऑफ एल्कीन हो तो हम इसमें हॉफमैन एल्कीन मेजर बनाएंगे। इस एग्जांपल में ए2 रिएक्शन के थ्रू विदाउट रीअरेंजमेंट हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हम इस एल्कीन की बात करें, ये एल्कीन तब बनी होगी जब ए2 मैकेनिज्म यानी विदाउट रीअरेंजमेंट के थ्रू इस कार्बन से OH रिमूव हुआ होगा और इस कार्बन से एक H निकला होगा, यानी वाटर निकलने के बाद इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन से ये वाली एल्कीन बनेगी। इस वाली एल्कीन में हमारे पास पांच अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर इस एल्कीन की बात करें तो ये एल्कीन कब बनेगी, जब इस कार्बन से OH रिमूव हो जाए और इस कार्बन से एक एच रिमूव हो जाए और वाटर निकलकर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। अगर इस एल्कीन में अल्फा एच की बात करें तो इसमें 9 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ए2 एलिमिनेशन है, और अभी हमने देखा था कि इसमें सैटजब एल्कीन जो होती है वो माइनर बननी चाहिए और हॉफमैन एल्कीन मेजर बननी चाहिए। तो इस एल्कीन में हमारे पास 5 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट है, जबकि इस वाली एल्कीन में 9 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट है, यानी इन दोनों एल्कीन में से ये वाली एल्कीन जो होगी ये लेस स्टेबल होगी, क्योंकि एक तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होगा लेस इफेक्टिव होगा, जबकि ये हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है और इसमें हाइपर कंजुगेशन जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस एल्कीन को हम सैटजब एल्कीन कह देते हैं और इस एल्कीन को हम हॉफमैन एल्कीन कह देते हैं, और इस रिएक्शन में हॉफमैन एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट बनती है और सैटजब इसमें माइनर बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की। अभी हमने देखा कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होता है वो E1 और E2 दोनों मैकेनिज्म से पॉसिबल होता है, बट अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन की रेट निकालते वक्त अगर रिएजेंट मेंशन नहीं है तो हम हमेशा इसमें E1 रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, और E1 रिएक्शन में हमने देखा था कि इसकी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है।
अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर इसके लिए डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन होता है वो इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बनता है, इसलिए इसकी रेट जो होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आरडी स्टेप में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस तरह से रेट को इम्पैक्ट करती है, इसको समझने के लिए हम दो डिफरेंट तरह के एल्कोहल को कंसिडर करते हैं और दोनों की ही हम इवन रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, जिसमें से पहली रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट को हम K1 मान लेते हैं और दूसरी रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट को हम K2 मान लेते हैं। अगर फर्स्ट रिएक्शन को हम कंसिडर करें तो H की मदद से इसमें OH को जब रिमूव किया जाता है तो हमारे पास इससे एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और रिएक्शन का ये स्टेप स्लो होने के कारण RDS स्टेप कहलाता है। रिएक्शन के अगले स्टेप में अभी कार्बोकैटायन क्या करता है, इसमें इस कार्बन से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि जैसे ही इस कार्बन से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी अब ये वाला कार्बोकैटायन बेंजीन के एडजेसेंट आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बेंजीन का इसमें प्लस एम इफेक्ट लगेगा और इसकी स्टेबिलिटी जो होगी बेंजीन के प्लस एम के कारण बढ़ जाएगी। रिएक्शन के आखिरी स्टेप में जब इसमें एलिमिनेशन होगा तो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे फाइनल एल्कीन की फॉर्म में हमारे पास ये वाली एल्कीन बन जाएगी। क्योंकि ये वाली एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकती है, इसलिए इसका सिस आइसोमर भी हमने इसके साथ बना दिया। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। अब इस सेकेंड रिएक्शन में भी H की हेल्प से इस OH को रिमूव कर लेते हैं और जिससे हमारे पास एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। चूंकि ये स्टेप जो होता है अगेन स्लो स्टेप होने के कारण RDS स्टेप होता है। अगर इस कार्बोकैटायन की बात करें, ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी बेंजीन के एडजेसेंट है, यानी इसमें बेंजीन का प्लस एम के कारण इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सेकेंड रिएक्शन के इस कार्बोकैटायन में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, इसलिए इसमें फर्दर जो है रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अभी कार्बोकैटायन अगेन हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बना सकता है, एक तो हमारे पास सिस एल्कीन बन सकती है और दूसरी हमारे पास ट्रांस एल्कीन बन सकती है। और अगर इन दोनों में से अगर हम बात करें तो जो ट्रांस एल्कीन होती है वो सेट्जेव एल्कीन होती है और सिस एल्कीन जो होती है वो होफमैन एल्कीन होती है। चूंकि ये एलिमिनेशन इवन है, इसलिए दोनों के अंदर जो ट्रांस एल्कीन होगी वो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब रेट के लिए हमको इनका आरडीएस कंसिडर करना है। अगर हम फर्स्ट स्टेप आरडीएस को कंसिडर करें तो पहली रिएक्शन में हमारे पास ये वाला कार्बोकैटायन बना, इस वाले कार्बोकैटायन में जो डोमिनेंट इफेक्ट होगा वो प्लस एच इफेक्ट होगा और इसमें टोटल 5 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन में बनने वाला कार्बोकैटायन में डोमिनेंट इफेक्ट जो होगा प्लस एम इफेक्ट होगा, इसलिए इन दोनों कार्बोकैटायन में से प्लस एम इसमें प्रेजेंट होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए इन दोनों रिएक्शन में से K2 रिएक्शन जो होगी वो K1 से फास्ट होगी, क्योंकि K2 रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहे हैं। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में अल्कोहल के डिहाइड्रेशन रिएक्शन E1 और E2 अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो के रेस्ट पार्ट में आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस वीडियो को पॉज करके आइदर स्लो डाउन करके आपको इन 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छा लगा और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में जब ये OH रिमूव होगा तो RDS स्टेप में हमारे पास ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये वाला कार्बोकैटायन बेंजीन के साथ एडजेसेंट है, इसलिए ये बेंजीन में दो ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पर माइग्रेट कर सकता है, यानी इस रिएक्शन में बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट लगेगा। जब ये पैरा पोजिशन पर आएगा तो इसमें R का एक्स्ट्रा इफेक्ट लगेगा और R हमारे पास इतने सारे ग्रुप्स है और इन ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, सबका डोमिनेंट इफेक्ट लेकर लिख रहे हैं। जैसे H का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मिथाइल का डोमिनेंट इफेक्ट प्लस H है, CD3 का डोमिनेंट इफेक्ट प्लस H है, दोनों का प्लस H इफेक्ट कॉमन है, इसलिए हमने देखा कि जो मिथाइल है उसमें CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसलिए इसका प्लस H इफेक्ट ज्यादा होगा। Cl का यानी हेलोजन का ऐसी कंडीशन में हमेशा माइनस I इफेक्ट कंसिडर किया जाता है। OH का OME का दोनों का प्लस M इफेक्ट है, जिसमें से OH का प्लस M इफेक्ट ज्यादा होता है। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप का और CN का दोनों का माइनस एम इफेक्ट है और नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट जो है ज्यादा होता है।
तो हम क्या करेंगे, चूंकि आरडीए स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है तो हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी निकाल लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास 5 नंबर होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास 7 नंबर होगा। चूंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो रेट का ऑर्डर आएगा वो भी सेम आएगा, जिसमें 5 नंबर सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा और 7 नंबर सबसे स्लो रिएक्शन देगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमारे पास इस एल्कोहल की 3 रिएक्शन करवाई गई है। पहली रिएक्शन Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है, ये E2 रिएक्शन होती है जिसमें सेट्जर प्रोडक्ट मेजर बनता है, यानी इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। इस एल्कोहल के रिस्पेक्ट में आइदर इस कार्बन से H निकाल सकते थे, आइदर इस कार्बन से H निकाल सकते थे। तो ऐसी चूंकि इस रिएक्शन में सेट्जर एल्कीन बनती है, इसलिए इस कार्बन से एक H और यहां से OH वाटर रिमूव होकर इन दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इससे हमारे पास जो एल्कीन बनेगी उसमें 7 अल्फा H प्रेजेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने सेट्जर एल्कीन को मेजर बनाया है। इसी तरीके से जब ये रिएक्शन POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन होता तो मैकेनिज्म E2 जाता, बट एल्कीन जो होती वो होफमैन बन जाती और इसमें भी E2 के कारण किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता। तब ये क्या करता, ये कार्बन यहां से OH रिमूव करता और इस कार्बन से एक H रिमूव करके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन से ये वाली एल्कीन बन जाती। इस वाली एल्कीन में केवल एक अल्फा H प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारे पास होफमैन एल्कीन कहलाएगी। जब हमारे पास एसिडिक मीडियम हो और ऐसी कंडीशन में हीट के प्रेजेंस में एलिमिनेशन हो तो इसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले इस एच पॉजिटिव की हेल्प से इस OH को रिमूव करके हम आरडीए स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इस कार्बोकेटायन के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यहां से एक हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाए, जिसे हम हाइड्राइड शिफ्ट कह दें, और दूसरा ये कि ये 4 मेंबर रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे बना हुआ है तो 4 मेंबर रिंग इसमें ग्रैब होकर 5 में कन्वर्ट हो सकती है, जिसे हम 1.2 रिंग एक्सपेंशन कहते हैं। तो इन दोनों यानी हाइड्राइड शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन में से रिंग एक्सपेंशन ज्यादा सूटेबल होता है, जिसको हम GOC में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहां से ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। अभी कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट स्टेप में यहां से एक H की शिफ्ट कर लेगा, जिसे हम 1.2 हाइड्रेट शिफ्ट कहेंगे, और अब ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। रिएक्शन के आखिरी स्टेप में अभी कार्बोकेटायन अपने एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालकर एल्कीन बना लेगा। क्योंकि ये दोनों कार्बन हमारे पास आइडेंटिकल हैं, जब यहां से एक H निकलेगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनेगा उससे हमारे पास ये वाली एल्कीन बनेगी, जिसमें 7 अल्फा H का प्लस H इफेक्ट प्रेजेंट होगा। अगर इस कार्बन से H निकले तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए तो इससे हमारे पास ये वाली एल्कीन बनेगी, जिसमें 4H का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म था तो इसमें हमारे पास सेट्जर एल्कीन मेजर बनती है, इसलिए इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण सेट्जर एल्कीन है जो इस रिएक्शन का मेजर बनेगी, और ये वाली एल्कीन होफमैन एल्कीन है जो इस रिएक्शन का माइनर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें H3PO4 के थ्रू रिलीज होने वाले एच पॉजिटिव की हेल्प से जब इस OH को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। अभी कार्बोकेटायन अपने दोनों एडजेसेंट कार्बन से 1.2 हाइड्रेट शिफ्ट कर सकता है, बट अगर ये इस वाले से हाइड्रेट शिफ्ट करेगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, जिसमें हाइपर कंजुगेशन तो बढ़ जाएगा बट इसको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अगर ये यहां पर आ जाता है, यानी इस कार्बन की हेल्प से 1.2 हाइड्रेट शिफ्ट करता है, तो अब ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, इस बेंजीन के एडजेसेंट आ जाएगा, जिसमें बेंजीन के प्लस एम के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इन दोनों में से यहां से हाइड्रेट शिफ्ट होगी, यहां से हाइड्रेट शिफ्ट नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। अब ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, अपने एडजेसेंट कार्बन से जहां पर एच प्रेजेंट है, यानी कि इस कार्बन से एक एच को रिलीज करके इन दोनों कार्बन के बीच में एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेगा, और ये प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन का फाइनल मेजर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमारे पास इस OH को आरडीए स्टेप में रिमूव करेंगे, जिससे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि कार्बोकेटायन 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा रिंग एक्सपेंशन होता है, जिससे ये कार्बोकेटायन 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और रिएक्शन के अगले स्टेप में इसमें 1.2 मिथाइल शिफ्ट होती है और इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप यहां आ जाता है, जिससे कार्बोकेटायन इस कार्बन पर चला जाएगा और ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन जाएगा। अभी कार्बोकेटायन हमारे पास सेकंड डिग्री था
और 1.2 शिफ्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके अब ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो इसमें कई सारी एल्कीन बन सकती हैं, बट हम यहाँ पर केवल मेजर एल्कीन बना रहे हैं। उसके लिए इस कार्बन से एच को रिमूव करके इन दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, इस वाली एल्कीन में टोटल 10 अल्फा एच का प्लस एच इफेक्ट होने के कारण ये इस रिएक्शन की स्ट्रेटजी एल्कीन होगी और मेजर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, इस एग्जांपल में अगेन एच पॉजिटिव की हेल्प से इस OH को रिमूव करेंगे और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेंगे। अभी कार्बोकैटायन रिएक्शन के सेकंड स्टेप में इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होने के कारण अब ये रीअरेंज होकर एक नए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर लेगा और इस कार्बोकैटायन में 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अभी 5 मेंबर रिंग 1.2 रिंग एक्सपेंशन शो कर सकती है और रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर इसके रिएक्शन के फाइनल मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो इस कार्बन से एक एच रिमूव होगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे ये बेंजीन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस रिएक्शन का मेजर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो गाइज, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट और उस टाइप की कुछ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? Okay guys, let's pause our interaction and get ready for next discussion. Till then, take care. Bye-bye.